ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र की, जहां राज्य भर में चोरी के आरोप में दोपहिया वाहन चोर जेल भेजे गए। साथ ही बात होगी रतलाम की, जहां पुरानी रंजिश में हुआ विवाद, एक युवक की हुई मौत। और बताएंगे कैसे सूरजपुर में मोटरसाइकिल चोरी के मामले में फरार एक चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर महाराष्ट्र के परभणी से है, जहां स्थानीय अपराध शाखा की एक टीम ने राज्य भर में दोपहिया वाहन चोरों को गिरफ्तार करने के बाद उनके पास से 20 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं। खास बात तो यह है कि उसके द्वारा अलग अलग जिलों में किए गए 10 अपराध भी सामने आए हैं। पुलिस इंस्पेक्टर अशोक घोरबंद के नेतृत्व में आरोपी अखिल महबूब शेख निवासी मंगलवारपेट अंबाजोगाई जिला बीड HM परभणी को जाल बिछाया गया और परली से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि परभणी और अन्य जिलों में अपराध किए और कई बाइकें चुराई। उनमें से बीट परली लातूर मारूर बार्शी सोलापुर जैसे विभिन्न जिलों से 20 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। उसके दूसरे साथी की तलाश भी की जा रही है, जिसने चोरी की गई बाइकों को ठिकाने लगाया था। इस बीच अदालत ने आरोपी को 30 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। परभणी जिल्ह्यामध्ये मागील काही एक महिन्यापासून मोटरसायकल चोरीचे सत्र सुरू झालेले होते। त्यामध्ये पहिल्यांदा शक्यतो ह्या कोणत्या कंपनीच्या मोटरसायकल चोरल्या जातात या बाबतीमध्ये जिल्हा पोलीस प्रमुख आदरणीय रवींद्र सिंग परदेशी सर यांनी त्या त्या जागी जाऊन वाहनांचे स्पॉट लोकेशन, जिथे ही वाहनं चोरल्या जातात त्याच भागात ही वाहनं चोरल्या नेमकी का जातात, त्या भागात असणारा व्यवसाय रहदारी या बाबतीमध्ये सविस्तर अभ्यास करण्याची सूचना दिली। त्या अनुषंगाने अपर पोलीस अधीक्षक श्री यशवंत काळेसाहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये आमची LGBची टीम, त्यामध्ये PSI अजित बिरादार, PSI गोपीनाथ वाघमारे आणि मधील टीम सोबत आमची सायबर सोबत आमची CCTV टीम, या सगळ्या टीमनी याचा अभ्यास केला। आणि या अनुषंगाने प्रॉपर शहरामधून तसेच काही जिंतूर भागातून काही गंगाखेड भागातून ज्या काही चोरल्या गाड्या गेल्या त्या सगळ्या गाड्यांचा एकत्र डाटा तयार करण्यात आला। त्या त्या ज्या ज्या दिवशी ह्या गाड्या चोरल्या गेल्या त्या त्या दिवशी त्या त्या स्पॉटवरून डम्प डाटा कवर करणे, काही तांत्रिक पुराव्याचा शोध घेणे, अशाही काही यामध्ये गोष्टी साधल्या गेल्या। त्या अनुषंगाने परळी जिल्हा बीड येथील रेकॉर्डवरील आरोपी अखिल महबूब शेख व 36 याच्या अनुषंगाने काही माहिती काही पुरावे त्यामध्ये उपलब्ध झाले। त्यास ताब्यात घेऊन त्यामध्ये चौकशी केली असता त्यांनी परभणी जिल्ह्यातून गंगाखेडमधून अशा बऱ्याच ठिकाणून बऱ्याचशा मोटरसायकल चोरीला चोरून नेल्याच्या काही बाबी पोलिसांनी व्यक्त केल्या सांगितलेल्या आहेत। त्या अनुषंगाने त्याचा मान्य न्यायालयाकडनं दोनदा विचार घेण्यात आला आणि त्या अनुषंगाने एक स्वतंत्र टीम तयार करून म्हणजे पोलीस अधीक्षकांच्या नेतृत्वामध्ये मार्गदर्शनामध्ये बीड जिल्हा इतर तर सोलापूर जिल्हा या भागातून गाड्याची निकोरी करण्यात आली आहे। आतापर्यंत शक्यतो फॅशन आणि हिरो होंडा कंपनीच्याच गाड्या त्यांनी अधिक सोडल्याची बाब निष्पन्न झाली असून 20 गाड्या आतापर्यंत रिकवर झाल्या आहेत आणि साधारणतः अजून 10 गाड्यांची कबुली त्यांनी दिली आहे। माननीय न्यायालयाने त्याला वाळू पिशा देण्यात आला असून पुढील तपास परभणी पोलीस करत आहेत। महाराष्ट्र परभणीचे CNews संवाददाता राम किशन ठोंबरे की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां बुधवार की रात शहर के माणक चौक थाना अंतर्गत सिलावटों का वास बस्ती में रहने वाले 23 साल के प्रवीण उर्फ पप्पू रानवे की हत्या चाकू मारकर कर दी गई। हत्या का कारण आपसी रंजिश सामने आया है। हमले के दौरान युवक ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ भी लगाई, लेकिन हमलावर उसका पीछा करते रहे। अत्यधिक खून बहने के कारण युवक की मौत हो गई। मृतक के बड़े पापा संजय रानवे ने बताया कि 13 मई को सैलाना में शादी में सभी गए हुए थे, वहां पर डांस के दौरान आपसी विवाद हुआ था। शाम को 6:30 पर भतीजा प्रवीण घर से पानी पीकर निकला था। घर से करीब 100 से 150 मीटर दूर स्थित बस्ती में एक जगह जाकर बैठा, तभी 5 से 6 लोग आए और सीने में चाकू से वार कर दिया। माणक चौक थाना प्रभारी रणजीत सिंगार ने बताया कि प्रवीण उर्फ पप्पू पर पुरानी रंजिश के चलते धारदार हथियार से हमला किया गया है। आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। आइए जानते हैं इस विषय में मृतक के बड़े पापा संजय और थाना प्रभारी माणक चौक रंजीत सिंगार का क्या कुछ कहना है। वो आपके भतीजे के साथ किसने चाकू मारा? सर वो घर पे था, बैठा हुआ था, फिर गाड़ी उठा के गया, पानी पिया और गाड़ी उठा के चला गया। फिर कहीं बाजार में बैठा हुआ होगा तो 15-20 मिनट बाद खबर आई, किसी नंदू नाम के लड़के ने फ़ोन लगाया कि तुम्हारे भाई को यहाँ पे मार रहे हैं 5-7 जने मिल के। तो उसके बाद मेरा लड़का
मेरा भतीजा ये सब गए वहाँ पे, वहाँ देखा तो वहाँ कोई नहीं मिला, सिर्फ ये पड़ा हुआ था वहाँ पे, ये उसको फिर अस्पताल ले गए सब। किस पर शक है आपको? हमें शक है अनिकेत, विकास, आदित्य और वो आंसू और काना और रितेश। क्या विवाद क्या था? विवाद सर ये पुराना चल रहा था, शादी में गए थे वहीं से चल रहा है। आप कौन मिल सकते? मैं बड़ा पप्पा हूँ मृतक। देखिए अभी शाम करीबन 7 बजे की घटना है, हरिजन बस्ती में एक विवाद हुआ, वो तत्काल मौके पर पहुँचे जहाँ पता चला कि किसी व्यक्ति द्वारा जो है प्रवीण उर्फ पप्पू ये 92 हैं, इसका किसी पुरानी रंजिश को लेकर किसी ने धारदार हथियार से उस पर वार किया था, जिसको वहाँ से तत्काल अस्पताल भेजा गया था, अस्पताल में उसकी डेथ हो गई है और जिस पर से थाना माणक चौक पर 302 और बलवा का अपराध कायम किया गया है। इसके पश्चात जो भी आरोपी इसमें परिजनों ने जिन्हें चश्मदीद ने बताए हैं उसके आधार पर 5 आरोपी ने बताए हैं, एक विकास उर्फ विक्या करके हैं और हरिजन बस्ती का, अनिकेत, आशु इंदौर का है और आदित्य और रितेश, ये 5 आरोपी हैं, इनके नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है, इनकी तलाश की जा रही है और विवेचना स्टार्ट हो गई, इसमें जल्दी ही इनको राउंड अप किया जाएगा। रतलाम से सीनियर संवाददाता मोहम्मद हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जहां रीवा की ही रहने वाली महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी द्वारा दुष्कर्म करने के साथ ही महिला के घर में खड़े 2 वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। पूरे मामले की जानकारी देते हुए समान थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने बताया कि महिला द्वारा 6 मई को थाने पहुंचकर अपने साथ हुई ज्यादती की रिपोर्ट लिखवाई गई थी। महिला की पीड़ा सुन पुलिस भी हैरान रह गई और तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की सूचना देकर उनसे प्राप्त निर्देशों के बाद आरोपी की तलाशी सहित मामले की जांच में जुट गई और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। पुलिस ने आरोपी को 2 दिन की रिमांड में लेने के बाद जेल भेज दिया। महिला को एक जीवन साथी की तलाश थी और इस दौरान आरोपी उसके संपर्क में आया। आरोपी पेशे से शिक्षक है और महिला की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे विश्वास में लेकर उसके घर जा पहुंचा, जहां पहले तो उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर उसका वीडियो बनाकर उसे डराने धमकाने लगा और जब महिला ने उसकी बात नहीं मानी तो उसका वीडियो वायरल कर दिया और उसके घर में खड़ी एक कार और स्कूटी को आग के हवाले कर दिया था। फिलहाल आरोपी अब जेल में बंद है। एक महिला के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि गुजरात कच्छ क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति है, देवशी राजा भाई सोंदरवा, उसकी किसी तरह से आपस में संपर्क हुआ, संपर्क के बाद उसने उस महिला के साथ जोर जबरदस्ती करते हुए उसके साथ कुछ ज्यादती की। इस बात की सूचना पर थाना समान में अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसी बीच उसके घर में खड़ी हुई एक कार और एक स्कूटी वाहन में भी आग लगा दी गई, जिसमें प्रथम दृष्टया उसी व्यक्ति पर संदेह हुआ कि उसको परेशान करने की नीयत से ऐसा कुछ किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मामले को गंभीरता से लिया गया और तत्काल ही टीम गठित कर उसके संबंधित ठिकानों में दबिश देने के लिए रवाना किया गया। अपराधी काफ़ी चालाक किस्म का था, इधर उधर भागता रहा, फाइनली पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। चूँकि घटनाक्रम में आगजनी से भी संबंधित कुछ घटनाएं जुड़ी हुई थी, इसलिए उस व्यक्ति को पुलिस रिमांड में लेकर के आगजनी के संबंध में भी पूछताछ की गई है। साथ ही ये भी आरोप था कि उसने उस महिला के कुछ आपत्तिजनक वीडियोस बनाए थे और उसके कुछ परिजनों को वो वीडियो वायरल किए थे, जिससे उस महिला को निश्चित तौर पर परेशानी हो रही थी। इसमें IT एक्ट की धाराओं का भी प्रकरण में समावेश किया गया था। पूछताछ उपरांत आवश्यक साक्ष्य संकलन, मोबाइल इत्यादि की जब्ती की गई है। आगजनी के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए हैं विवेचना के क्रम में। आज 2 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रकरण की विवेचना भी की जा रही है। विवेचना के क्रम में ये भी ज्ञात हुआ है कि उक्त व्यक्ति ने भुज में गुजरात क्षेत्र में एक महिला के साथ और भी ऐसे ही सेम इसी टाइप का एक मामला किया था, जिसमें महिला को कुछ नशीला पदार्थ दे करके उसके कुछ वीडियोस बनाए थे। फाइनली वहाँ भी एक प्रकरण इसके विरुद्ध पंजीबद्ध हुआ था। कुल मिलाकर अभी मामले को विवेचना में लिया गया है, आरोपी को जेल भेज दिया गया है, आवश्यक जो साक्ष्य संकलन है वो किए जा रहे हैं। इसको तो दबिश हम लोग गुजरात में भी दिए थे, लेकिन चूँकि वो लगातार भग रहा था और फाइनली उसको यहीं से पकड़ा गया है और उसको न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।
रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर सीहोर से, जहां खनिजों का अवैध उत्खनन एवं परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध बीती रात खनिज पुलिस एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा छापेमार कार्रवाई करते हुए 6 पोकलेन मशीनों को तथा 17 डंपर जब्त किए गए हैं। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन को रोकने के लिए संयुक्त दल की छापेमार कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। बुधनी विधानसभा में लगातार खनिज अधिकारी खनन माफियाओं के ऊपर शिकंजा कसते नजर आ रहे हैं। काफी मुश्किलों के बाद खनिज अधिकारी अपनी तत्परता दिखाते हुए मशीनों और गाड़ियों पर कार्रवाई करना शुरू कर चुके हैं। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि जिले से किसी भी प्रकार के खनिजों के अवैध परिवहन को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पुलिस राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के सूरतपुर से है, जहां बता दें कि प्रतापपुर पुलिस ने चोरी के मामले में ग्राम मुर्गा निवासी दिल मोहम्मद को पकड़कर जेल भेज दिया है। आपको बताते चले कि आरोपी ने ग्राम पोडिपा में एक मोटरसाइकिल रखकर मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर मोटरसाइकिल सहित पकड़कर पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 23 मार्च 2024 को प्रतापपुर किराना दुकान के सामने से हीरो HF डीलक्स को चोरी कर ली थी, जिसे बेचने के लिए आज ग्राहक की तलाश कर रहा हूँ। और बताया कि इससे पहले भी करीब 1.5 वर्ष से अभी तक प्रतापपुर, अंबिकापुर, बरियू, राजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज व शंकरगढ़ से कुल 26 नग मोटरसाइकिल चोरी की है, जिसमें से कुछ मोटरसाइकिल अपने साथी संजय देवांगन निवासी लालमाटी, अरबाज अली निवासी राजपुर, तशरीफ निवासी बबनी व अन्य लोगों के पास बेच दी। आपको बता दें कि चोरी के मामले में पूर्व में दिल मोहम्मद, अरबाज, संजय, तशरीफ से कुल 22 नग मोटरसाइकिल बरामद कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। वही मामले में इरमान व अन्य आरोपी फरार थे, जिनकी पतासाजी की जा रही है। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर फरार आरोपी इमरान पिता इस्लामुद्दीन उम्र 20 वर्ष निवासी बिशनपुरा थाना हिंडो जिला बलरामपुर को पकड़कर उसके कब्जे से चोरी की एक हीरो HF डीलक्स मोटरसाइकिल बरामद कर जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।